हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 11 फॉर मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग को और अगली दो क्लासेस में हम कंप्लीट कर लेंगे वर्ड प्रोसेसिंग को और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्प्रेडशीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करते हैं टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन के बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पे है सेलेक्टिंग आइटम दैट आर नॉट कंसेक्यूटिव। तो राइटर में आप कैसे आइटम्स को सेलेक्ट करोगे जो कि नॉट कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आइटम्स नहीं है, आइटम्स अलग अलग जगह पे हैं, आपको उन्हें सेलेक्ट करना है, तो किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो टू सेलेक्ट द नॉन कंसेक्यूटिव आइटम्स यूजिंग द माउस। तो माउस से आप कैसे नॉन कंसेक्यूटिव आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हो देखते हैं। सेलेक्ट द फर्स्ट पीस ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे बाय योर माउस। इसके बाद क्या करना है आपको, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड यूज द माउस टू सेलेक्ट द नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप माउस की हेल्प से फर्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आप कंट्रोल की को प्रेस करोगे, जो आपके कीबोर्ड में है उसे प्रेस करोगे, और उसके बाद माउस की हेल्प से नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे। जिस तरीके से आप नॉर्मली किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन करते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है जी, रिपीट एज ऑफन एज नीडेड। और जब तक आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करते जाना है, जब तक आपकी सारी सिलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे है टू सेलेक्ट नॉन कंसेक्यूटिव आइटम्स यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से आप कैसे नॉन कंसेक्यूटिव आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। स्टेप्स इसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द फर्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे, इसके बाद आप प्रेस करोगे शिफ्ट प्लस F8। ठीक है, आप कीबोर्ड से ये पर्टिकुलर की प्रेस करोगे शिफ्ट प्लस F8। दिस पुट्स राइटर इन द एडिंग सेलेक्शन मोड। तो शिफ्ट प्लस F8 आपके राइटर को एडिंग सेलेक्शन मोड में ले जाएगा। ठीक है, नाउ यूजिंग द एरो कीज टू मूव टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट टू बी सेलेक्टेड। उसके बाद आप इस्तेमाल करोगे आपके जो कीबोर्ड में एरो कीज होती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उन एरो कीज का इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट की तरफ लेके जाओगे एरो को जो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट पे पहुंच जाओगे एरो की हेल्प से, फिर क्या करोगे, आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे, उसे होल्ड करोगे और नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लोगे। रिपीट एज ऑफन एज रिक्वायर्ड। और जितनी टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है उसे अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, नाउ यू कैन वर्क विद द सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसके बाद आप सेलेक्टेड टेक्स्ट के साथ कुछ भी काम कर सकते हो, जैसे कि कॉपी कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो उस टेक्स्ट को, चेंज कर सकते हो उसका फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट कलर, और भी अलग अलग काम आप कर सकते हो। ठीक है, प्रेस एस्केप टू एग्जिट फ्रॉम दिस मोड। अगर आपको एडिंग सेलेक्शन मोड से बाहर आना है तो इसके लिए आप एस्केप की का इस्तेमाल करोगे, एस्केप की को प्रेस करके आप इस मोड से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया है कि वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर में बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में वही गिवन है। ठीक है, सो जो सब चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परफॉर्म करते हैं ना, वही सब चीज़ें हम राइटर में परफॉर्म करते हैं इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे बन सकता है कि आप स्टेप्स बताइए, तो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे क्या है, सेलेक्टिंग द आइटम्स दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इस तरीके से अगर आप चाहो, देखो यहाँ पे सारे नॉन कंसेक्यूटिव आइटम्स को सेलेक्ट किया गया है, तो अगर आप चाहो तो आप माउस की हेल्प से भी ये कर सकते हो या फिर कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो। सो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है,
सो आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट को पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। किस तरीके से आप वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर पाओगे राइटर में, ये समझते हैं। यू कैन सेलेक्ट अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को आप कॉलम भी कह सकते हो, ठीक है। कॉलम भी वर्टिकल होते हैं और रोज क्या होती है, रोज होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो यू कैन सेलेक्ट द वर्टिकल ब्लॉक और द कॉलम ऑफ द टेक्स्ट दैट इज सेपरेटेड बाय स्पेसेस और टैब्स एज यू माइट सी इन द टेक्स्ट पेस्टेड फ्रॉम द ईमेल्स, प्रोग्राम लिस्टिंग्स और अदर सोर्सेस, ठीक है। सो आप कैसे वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, आप उसे करोगे यूजिंग लिब्रे ऑफिस ब्लॉक सेलेक्शन मोड, ठीक है। सो टू चेंज द ब्लॉक, टू चेंज टू ब्लॉक सेलेक्शन मोड, अगर आपको टू चेंज टू ब्लॉक सेलेक्शन मोड, अगर आपको ब्लॉक सेलेक्शन मोड में जाना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम करेंगे यूज एडिट में जाएंगे हम, उसके बाद सिलेक्शन मोड में जाएंगे और उसके बाद ब्लॉक एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास। सेकंड तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस F8 को प्रेस करो तो आप डायरेक्टली लिब्रे ऑफिस के ब्लॉक सिलेक्शन मोड में आ जाओगे, या फिर आप क्या करोगे क्लिक ऑन द सिलेक्शन आइकन, सिलेक्शन आइकन पर आप क्लिक करोगे जो कि स्टेटस बार में अवेलेबल होता है एंड सेलेक्ट द ब्लॉक सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो ये आपका स्टेटस बार है, यहाँ पे देखो ये सिंबल है दैट इज योर सिलेक्शन आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इस पर्टिकुलर लिस्ट से अपना डिजायर्ड मोड चूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे चूज किया है ब्लॉक सिलेक्शन मोड, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, नाउ हाईलाइट द सिलेक्शन यूजिंग माउस और कीबोर्ड एज शोन बिलो। इसके बाद जिस भी पर्टिकुलर वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है उसे आप हाईलाइट करोगे या तो माउस से या फिर कीबोर्ड से, जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे मंथ्स नेम लिखे हुए हैं और हमने इस पर्टिकुलर वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये याद करना है क्या क्या बेसिकली ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आप इस मोड में आ पाओगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कटिंग कॉपिंग एंड मूविंग द टेक्स्ट। किस तरीके से आप राइटर में कॉपी करते हैं, कट करते हैं और टेक्स्ट को मूव करते हैं, ये समझते हैं। सो कटिंग एंड द कॉपिंग टेक्स्ट इन राइटर इज सिमिलर टू कटिंग एंड द कॉपिंग टेक्स्ट इन द अदर एप्लीकेशंस। सो कटिंग और कॉपिंग करना टेक्स्ट की राइटर के अंदर वो बहुत सिमिलर है जिस तरीके से आप किसी अदर एप्लीकेशन में कट या कॉपी करते हैं, ठीक है जी। यू कैन यूज द माउस, एक मिनट, यू कैन यूज द माउस और द कीबोर्ड फॉर दीज ऑपरेशंस, ठीक है। सो जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में करते थे विंडोज में, उसी सेम तरीके से आप कॉपी पेस्ट या फिर कट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यू कैन कॉपी और मूव द टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट और बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। सो अगर आप चाहो तो आप टेक्स्ट को कॉपी या फिर मूव करवा सकते हो, या तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सपोज आपका एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसमें आपने पैराग्राफ वन में से कोई लाइन को कट किया है, ठीक है, और उसके बाद आप उस लाइन को कॉपी करवाना चाहते हो एक दूसरे पैराग्राफ के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे कि टेक्स्ट को आपने क्या किया है, कॉपी किया है और मूव किया है उसी सेम डॉक्यूमेंट में। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक टेक्स्ट को कॉपी करो और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके उसे पेस्ट कर दो, तो उसे हम बोलेंगे कि आपने दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके अपने टेक्स्ट को सेव किया है, फिर मूव किया है, ठीक है। बाय ड्रैगिंग और बाय जस्ट यूजिंग द मेन्यू सिलेक्शन टूल बार बटन्स और द कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से आप कॉपी या कट करते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज सच एज द वेब पेजेस एंड पेस्ट इट इन टू अ राइटर डॉक्यूमेंट। तो अगर आप चाहें तो आप दूसरे रिसोर्सेज से भी, जैसे कि आपका वेब पेज हो गया, आपने कोई
वेब पेज खोला ऑन द ब्राउजर, और वहां से आपने कोई टेक्स्ट कॉपी किया और उस टेक्स्ट को आप पेस्ट कर सकते हो राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। टू मूव, ड्रैग एंड ड्रॉप सेलेक्टेड टेक्स्ट यूजिंग द माउस, ड्रैग इट टू द न्यू लोकेशन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मूव करवाना है तो आप यूज करोगे माउस का और उस टेक्स्ट को ड्रैग करके ले जाओगे न्यू लोकेशन पे, ठीक है। और जैसे ही न्यू लोकेशन आपकी आ जाएगी, वहां पे आप माउस को रिलीज कर दोगे, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट न्यू लोकेशन पे चला जाएगा। टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, होल्ड डाउन द कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग। और अगर आपको टेक्स्ट को कॉपी करवाना है तो उसमें क्या होगा, आप सेलेक्ट करो टेक्स्ट को और उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करते जाओ और ड्रैग करते जाओ। द टेक्स्ट रिटेन्स द फॉर्मेटिंग इट हैड बिफोर ड्रैगिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में थी वो उसके पास रिटेन रहती है, ठीक है। जब उसकी लोकेशन बदल जाती है तब भी वो रहती है। कॉपी और मूव में क्या डिफरेंस है ये इम्पॉर्टेंट है समझना। कॉपी का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या टेक्स्ट की दो अलग अलग लोकेशन पे कॉपी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन मूव मतलब क्या होता है कि पहली लोकेशन से वो टेक्स्ट बिल्कुल हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा और वो न्यू लोकेशन पे आ जाएगा। ये डिफरेंस है बिटवीन द मूव एंड द कॉपी। टू मूव, कट एंड द पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मूव क्या है, कट एंड पेस्ट वाला है। सेलेक्टेड टेक्स्ट, यूज द कंट्रोल एक्स टू कट द टेक्स्ट, इंसर्ट द कर्सर एट द पेस्ट इन द पॉइंट एंड यूज कंट्रोल वी टू पेस्ट, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट को मूव करवाना है, कैसे मूव करवाना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है कट एंड पेस्ट, ठीक है। एक जगह से टेक्स्ट को कट करना है और दूसरी जगह पे टेक्स्ट को पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप वही नॉर्मल जो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हो, कंट्रोल एक्स फॉर द कट एंड कंट्रोल वी फॉर द पेस्ट। ऑल्टरनेटिवली यूज द बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार से भी ऑप्शन सेलेक्ट करके कट या पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है जो हम यूजुअली यूज करते हैं रोज अपने फॉर्मेटिंग में, ठीक है। आप लोग वर्ड में फॉर्मेटिंग जब भी करते हैं तो हम कट, कॉपी, पेस्ट इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो वही सब यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। सो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इन क्लासेस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को आप हिट कीजिए, ठीक है जी। और सब टेलीग्राम चैनल पे हमसे ज्वाइन होने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पेस्टिंग टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। व्हेन यू पेस्ट टेक्स्ट द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द टेक्स्ट एंड हाउ यू पेस्ट इट, ठीक है। जब भी आप किसी टेक्स्ट को पेस्ट करते हो तो जो रिजल्ट आएगा ना पेस्ट करने के बाद, वो डिपेंड करता है क्या तो उस टेक्स्ट का सोर्स था और कैसे आपने उसे पेस्ट किया है, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन द पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और कंट्रोल वी, एनी फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट हैज सच एज बोल्ड और इटैलिक इज रिटेन्ड, ठीक है। अगर आपने पेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में बटन का इस्तेमाल किया है या फिर आपने शॉर्टकट की कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया है, सो जो भी फॉर्मेटिंग थी आपके टेक्स्ट में, सपोज आपका टेक्स्ट था बोल्ड या फिर इटैलिक, तो पेस्ट करने के बाद वो आपकी फॉर्मेटिक रिटेन रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ओके। अगर आपने या तो पेस्ट बटन सेलेक्ट किया था स्टैंडर्ड टूल बार से या फिर कंट्रोल वी किया था, ठीक है, दोनों ही केस में आपकी फॉर्मेटिंग रिटेन रहती है। टेक्स्ट पेस्टेड फ्रॉम द वेबसाइट्स एंड द अदर सोर्सेज मे ऑल्सो बी प्लेस्ड इन टू फ्रेम्स और टेबल्स। इफ यू डू नॉट लाइक द रिजल्ट, क्लिक द अंडू बटन और प्रेस कंट्रोल जेड। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आप वेबसाइट से भी डेटा को कॉपी पेस्ट करा सकते हो, और अगर आपको रिजल्ट पसंद ना आए तो आप अंडू बटन का इस्तेमाल करिए या फिर कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करिए, ठीक है। टू मेक द पेस्टेड टेक्स्ट इनहेरिट द पैराग्राफ स्टाइल एट द इंसर्शन पॉइंट। अब यहाँ पे समझो, टू मेक द पेस्टेड टेक्स्ट इनहेरिट द पैराग्राफ स्टाइल एट द इंसर्शन पॉइंट, इसका मतलब क्या है। चूज करेंगे हम पहले एडिट, उसके बाद पेस्ट स्पेशल, या फिर आप क्या कर सकते हो,
क्लिक द एरो बटन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पेस्ट बटन, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक द पेस्ट बटन विदाउट रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन। सो तीनों ही केस में क्या होगा देखते हैं। देन सेलेक्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फ्रॉम द रिजल्टिंग मेन्यू। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी पेस्टेड विद शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए, मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग उसके अंदर ना आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली शिफ्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इनमें से किसी ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। द रेंज ऑफ द चॉइसेस ऑन द पेस्ट स्पेशल मेन्यू और द कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट और अदर सब्जेक्ट टू बी पेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ टेक्स्ट इज ऑन द क्लिप बोर्ड, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप जब क्लिप बोर्ड आपने मान लो पेस्ट करा, ठीक, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को भी चूज कर सकते हो। बेसिकली पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या होता है कि जब आपने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करने के बाद जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कोई भी फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट में नहीं आती है, ना तो बोल्ड आएगा, ना इटैलिक आएगा, ना कोई और फॉर्मेटिंग आएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही वहाँ पर आएगा। इससे क्या होता है कई बार कि हमें बार बार फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज आपने कोई टेक्स्ट कॉपी किया, जहाँ से कॉपी किया वहाँ पे फॉर्मेटिंग थी, पर जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप डायरेक्टली पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो तो सिर्फ इन्हें रीड कर लो और आप एग्जाम में खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आई एम कवरिंग ऑल द टॉपिक्स विच आर इन योर सिलेबस, सो इसीलिए मुझे बेसिक से बेसिक पॉइंट्स भी समझाने हैं आपको, क्योंकि वो सिलेबस में है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ ये मत समझना कि ये बहुत बेसिक है, हम इसे छोड़ के जाएंगे, नहीं, आपके सिलेबस में है तो आपको करना ही करना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हम वर्ड में यूज़ करते हैं, वही सेम तरीके से हम यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं। When you are working with the large documents, it can be hard and time-consuming to locate a specific word or phrase. ठीक है, जब आप large documents में काम करते हो तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत time-consuming हो जाता है किसी particular specific word को ढूँढना। So with writers find and replace feature, you can quickly search for the text inside a document and to quickly replace it with a replacement text. ठीक है, तो writer में भी ये facility होती है, that is find and replace, इस feature का use करके आप किसी भी particular word या phrase को find out कर सकते हो और उसके बाद उस text को आप replace कर सकते हो एक दूसरे replacement text से। ठीक है, राइटर हैज़ टू वेज टू फाइंड द टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, तो अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या होता है, द फाइंड टूल बार फॉर द फास्ट सर्चिंग, एक तरीका तो ये हो गया, एंड द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विच हैज़ द रिप्लेस फीचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तरीका है। सो फर्स्ट इज द फाइंड टूल बार। ठीक है, तो पहला है आपका फाइंड टूल बार, तो यहाँ पे क्या करोगे, ओपन द फाइंड टूल बार, यू कैन डिस्प्लेस द फाइंड टूल बार बाय प्रेसिंग कंट्रोल एफ की कॉम्बिनेशन और चूजिंग एडिट देन फाइंड फ्रॉम द मेन्यू बार। तो फाइंड टूल बार कैसे मिलेगा आपको, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ की प्रेस करें या फिर आप एडिट मेन्यू में जाके फाइंड को चूज कर लो मेन्यू बार से। ठीक है, दोनों ही केस में आप फाइंड टूल बार को खोल पाएंगे, तो इस तरीके से होता है आपका फाइंड टूल बार। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइंड टूल बार। ओके, तो हम फर्स्ट वे देख रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है अगर डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए आप फाइंड टूल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम देखेंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट इज यूजिंग द फाइंड टूल टू लुक फॉर अ वर्ड और द फ्रेज, क्लिक इन द बॉक्स एंड टाइप योर टेक्स्ट। ठीक है,
सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज को ढूंढना है तो आप क्लिक करेंगे बॉक्स के अंदर और टाइप करेंगे अपना टेक्स्ट, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा है JEM, तो यहाँ पे जैसे ही टूल बार खुल के आ जाएगा आपका, आप डायरेक्टली जाएंगे सर्च बार में और वहाँ पे टाइप कर देंगे अपना वर्ड जिसे भी आप ढूंढना चाहते हैं, एंड देन प्रेस द एंटर टू फाइंड द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ दैट टर्म फ्रॉम द करेंट कर्सर पोजिशन, ठीक है जी। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे, उससे क्या होगा, जैसे आप एंटर प्रेस करते जाएंगे अलग अलग लोकेशन में वो वर्ड आपको दिखता जाएगा, ठीक है, कि मतलब वो जो वर्ड है वो अलग अलग पोजिशन पे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, आपको सारी अकरेंस दिख जाएंगी। नाउ क्लिक द फाइंड नेक्स्ट और द फाइंड प्रीवियस बटन्स एज नीडेड। आपको आपके फाइंड टूल बार में ये बटन्स मिलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, फाइंड प्रीवियस या फिर फाइंड नेक्स्ट बटन्स, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन है ना ये बटन्स, तो मान लो अगर आपसे कोई वर्ड मिस हो गया, कोई अकरेंस मिस हो गई, तो उसको वापस से देखने के लिए आप इन बटन्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके हैं फाइंड प्रीवियस और द फाइंड नेक्स्ट बटन्स। इसके बाद है आपके पास, एक मिनट, ये रहे आपके फाइंड प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट बटन, ठीक है। इसके बाद है क्लिक द फाइंड ऑल बटन टू सेलेक्ट ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द सर्च टर्म विद इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप फाइंड ऑल बटन पे क्लिक करते हो तो एक ही बारी में उस पर्टिकुलर वर्ड की सारी इंस्टेंसेस आ जाएंगी, ठीक है। सेलेक्ट द मैच केस टू फाइंड ओनली द इंस्टेंसेस दैट एग्जैक्टली मैच द सर्च टर्म, ठीक है। सपोज आपने लिखा है JER, तो JER जहां जहां भी आएगा ना वो सारे वर्ड सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो एग्जैक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है वो था जेरी, तो अगर आपको एग्जैक्टली केस मैच करवाना है ना तो आप वही वर्ड लिखो, तो इससे क्या होगा, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो तरीका था फाइंड एंड रिप्लेस का, वो है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। आप डायरेक्टली फाइंड एंड रिप्लेस टूल भी खोल सकते हो, कैसे, ओपनिंग द फाइंड एंड रिप्लेस टूल। टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग क्लिक ऑन दिस आइकन और यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करते हो कंट्रोल प्लस एच, तो डायरेक्टली आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। व्हेन द डायलॉग बॉक्स इज ओपन ऑप्शनली क्लिक अदर ऑप्शंस टू एक्सपैंड इट, ठीक है। तो जैसे ही आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, अगर आप चाहें तो आप अदर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, वो डायलॉग बॉक्स और एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हमें यूज़ करना है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। सो टाइप द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू फाइंड इन द फाइंड बॉक्स, ठीक है, बिल्कुल सेम है ऊपर की तरह। इसके बाद टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट टाइप द न्यू टेक्स्ट इन द रिप्लेस बॉक्स। इसके बाद जिस नए टेक्स्ट से आपको प्रीवियस टेक्स्ट रिप्लेस करना है उस टेक्स्ट को भी आप डाल देंगे। यू कैन सेलेक्ट द वेरियस ऑप्शन सच एज मैचिंग द केस, मैचिंग द होल वर्ड्स ओनली, और डूइंग अ सर्च फॉर द सिमिलर वर्ड्स। तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। व्हेन यू हैव सेट अप योर सर्च क्लिक फाइंड नेक्स्ट टू रिप्लेस फाउंड टेक्स्ट क्लिक रिप्लेस, ठीक है। जैसे ही आपकी सर्च पूरी हो जाए आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, टू रिप्लेस द फाउंड टेक्स्ट क्लिक रिप्लेस। और अगर आपको फाउंड टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, ओके जी। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो और उसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। देखो ये सब जो फीचर है ना वो हम जानते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जब लिखने को आएगा ना तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, आपको मार्क्स सभी मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है जो हमें आने चाहिए, तो आपको इन पॉइंट्स को याद नहीं करना है अच्छे तरीके से, बस समझना है। अगर आप समझ भी लेंगे ना तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। जब भी हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो वर्ड में हम ये सब चीज़ें करते हैं, यही सेम चीज़ें लिब्रे ऑफिस में भी तो होती है, तो बस सब कुछ सेम है, बस आपको एक बार रीड करना है और उसके बाद खुद से लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेकिंग स्पेलिंग एंड एरर, किस तरीके से हम स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर चेकिंग को परफॉर्म करेंगे देखते हैं। बाय डिफॉल्ट
फोर डिक्शनरीज आर इंस्टॉल्ड फॉर द ईच लैंग्वेज. ठीक है, हर एक लैंग्वेज के लिए चार टाइप की डिक्शनरी इंस्टॉल्ड रहती है. कौन कौन सी होती है? अ स्पेलिंग चेकर, अ ग्रामर चेकर, अ हाइफनेशन डिक्शनरी एंड अ थ्रेशर्स. ठीक है, एज्यूमिंग इट इज अवेलेबल फॉर दैट लैंग्वेज. द स्पेलिंग चेकर डिटरमाइंस इफ ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट इज इन द इंस्टॉल्ड डायरेक्टरी. देखो, स्पेलिंग चेकर बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है जो भी वर्ड आपने टाइप किया है क्या वो वर्ड आपकी इंस्टॉल्ड डायरेक्टरी में अवेलेबल है. अगर अवेलेबल होता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, वरना वो क्या करता है, वहाँ पे लाइन डाल देता है रेड कलर की. ठीक है, द ग्रामर चेकर इन कॉम्बिनेशन विद द स्पेलिंग चेकर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं चेकिंग स्पेलिंग ऑटोमेटिकली. मतलब किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली चेक करवा सकते हैं, ये देखते हैं. व्हेन हाइलाइटेड द ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग ऑप्शन ऑन द टूल्स मेन्यू चेक्स ईच वर्ड एज इट इज टाइप्ड एंड डिस्प्लेज अ वेवी रेड लाइन अंडर एनी अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स. ठीक है, सो जैसे ही आपने सेट ऑफ टेक्स्ट को हाईलाइट किया और उसके बाद टूल्स मेन्यू में जाकर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो क्या होगा, आपका वो सारा टेक्स्ट चेक होता है और जैसे ही उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड मिलता है तो उस पर्टिकुलर वर्ड के नीचे एक वेवी रेड लाइन आ जाती है. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको रेड लाइन दिखाई देती है. राइट क्लिक ऑन एन अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड टू ओपन अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड पे जिसके नीचे रेड लाइन है उस पे जाके राइट क्लिक करोगे तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा. ठीक है जी, इसके बाद क्या करना है, यू कैन क्लिक ऑन वन ऑफ द सजेस्टेड वर्ड्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स. तो उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपको कुछ सजेस्टेड वर्ड्स दिखाई देंगे, आप उनमें से कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो जिस वर्ड से आप उस रेड लाइन वाले वर्ड को रिप्लेस करवाना चाहते हो. ठीक है, इफ द लिस्ट डज नॉट कंटेन द वर्ड यू वॉन्ट, अगर उस लिस्ट में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आप चाहते हो तो क्या करना है, आप क्लिक करेंगे स्पेलिंग पे टू ओपन अ डायलॉग. ठीक है, स्पेलिंग पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. व्हेन द वर्ड इज करेक्टेड द लाइन डिसअपीयर्स. तो स्पेलिंग बेसिकली चेक करेगी उस वर्ड की स्पेलिंग, अगर वो स्पेलिंग ठीक होगी तो लाइन डिसअपीयर हो जाएगी. बेसिकली क्या होता है, लाइन कब आती है, जब आपकी इंस्टॉल्ड डायरेक्टरी में वो वर्ड नहीं होता है तब उसे बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड. लेकिन अगर आप उस वर्ड को रखना चाहते हो तो आप स्पेलिंग पे जाके क्लिक करोगे, अगर उसकी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी तो वो भी ऐड हो जाएगा आपके डिक्शनरी के अंदर और जो रेड लाइन थी वो डिसअपियर हो जाएगी. ठीक है जी, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें, आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी. सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल विद कंप्लीट ई नोट्स. सो मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दोनों के लिए ही पेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है और उसके साथ आपको मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स. ठीक है जी, यहाँ पे देखो, और अगर आप लोग चाहते हैं ये नोट्स लेना तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने नोट्स के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हो. ठीक है जी, नेक्स्ट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम. आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर में कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं. ठीक है, सो टू परफॉर्म अ कम्बाइंड स्पेलिंग एंड द ग्रामर चेक ऑन द डॉक्यूमेंट और अ टेक्स्ट सेलेक्शन क्लिक द चेक स्पेलिंग बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. अगर आपको कम्बाइंड स्पेलिंग भी चेक करनी है और ग्रामर भी चेक करनी है डॉक्यूमेंट की या फिर टेक्स्ट सेलेक्शन की, ठीक है, कोई आपने पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसकी करनी है, पूरे डॉक्यूमेंट ये करनी है, तो आप क्या करने वाले हो, आप जाओगे स्टैंडर्ड टूल बार में और वहाँ पे आप स्पेलिंग बटन को, चेक स्पेलिंग बटन को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप टूल्स में जाके भी स्पेलिंग को सिलेक्ट कर सकते हो. सो इससे क्या होगा, दिस चेक्स द डॉक्यूमेंट और द सिलेक्शन
एंड ओपन्स द स्पेलिंग डायलॉग इफ एनी अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स आर फाउंड. ठीक है, सो स्पेलिंग को चूज करने से क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट में या फिर आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट में स्पेलिंग चेकिंग परफॉर्म हो जाएगी और स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स साइड में खुल के आएगा अगर कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में उसे मिला तो. टू ऑल्सो आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ग्रामर प्रॉब्लम्स चेक ग्रामर बॉक्स. ठीक है, अगर आपको ग्रामर भी चेक करनी है साथ ही साथ, तो आप चेक ग्रामर बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, हेयर आर सम मोर फीचर्स ऑफ द स्पेलिंग चेकर. स्पेलिंग चेकर के कुछ और फीचर्स हैं, ये एक बार देख लेते हैं. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऊपर ऊपर से. ठीक है, सो फर्स्ट इज चेंज डिक्शनरी लैंग्वेज. चेंज द डिक्शनरी लैंग्वेज, आप डिक्शनरी की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आप कर सकते हो स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश. ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप. इसके बाद इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन द टेक्स्ट लैंग्वेज ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो वहाँ पे आपको स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स के वहाँ पे टेक्स्ट लैंग्वेज करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है, वहाँ से आप कोई भी डिजायर्ड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज चूज कर सकते हो. ठीक है, जिससे आपके डिक्शनरी की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट इज ऐड अ वर्ड टू अ डिक्शनरी. आप अपने डिक्शनरी में कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं. सो ऐड अ वर्ड टू द डिक्शनरी बाय क्लिकिंग द ऐड टू डिक्शनरी. तो आप इस पर क्लिक करेंगे स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में. ठीक है, आपको मिलेगा क्या, क्लिकिंग करेंगे आप इस पर्टिकुलर बटन पे ऐड टू डिक्शनरी. ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप कोई नया वर्ड ऐड करवा पाएंगे. द वर्ड विल बी एडेड टू द स्टैंडर्ड डिक्शनरी अनलेस यू हैव क्रिएटेड अनदर डिक्शनरी इन द सेम लैंग्वेज. ओके, इफ यू हैव क्रिएटेड अ न्यू डिक्शनरी यू विल बी गिवन अ चॉइस ऑफ डिक्शनरीज टू ऐड अ वर्ड टू. अगर आपने खुद से कोई न्यू डिक्शनरी क्रिएट करी है तो आप उसे भी कर सकते हो और उसमें भी नए वर्ड्स को ऐड कर सकते हो, वरना जो आपकी स्टैंडर्ड डिक्शनरी है उसी में वो वर्ड ऐड हो जाएगा. ओके, सिर्फ आपको क्लिक करना है ऐड टू डिक्शनरी और वो वर्ड टाइप कर देना है. नेक्स्ट इज चूज टेक्स्ट फॉर स्पेल चेकिंग. चूज वेदर टू चेक अपर केस वर्ड और वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स बाय क्लिकिंग द ऑप्शन बटन ऑन द स्पेलिंग एंड द ग्रामर डायलॉग बॉक्स टू ओपन अ राइटिंग एड्स डायलॉग सिमिलर टू द वन इन टूल्स ओपन लैंग्वेज सेटिंग्स एंड द राइटिंग एड्स. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है, चूज कर सकते हो स्पेल चेकिंग के लिए. सपोज आपको कोई ऐसा वर्ड चूज करना है जो अपर केस से स्टार्ट हो रहा है या फिर जो नंबर कंटेन कर रहा है, सो आप राइटिंग एड्स भी वहां पे ऐड कर सकते हो. उसे ऐड करने के लिए क्या करोगे, आप टूल्स में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे, लैंग्वेज सेटिंग में जाओगे, उसके बाद राइटिंग एड्स को सिलेक्ट करोगे. ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग ऑटो करेक्ट. ऑटो करेक्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम राइटर में, ये देख लेते हैं. सो यहाँ पे है राइटर्स ऑटो करेक्ट फंक्शन हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द कॉमन मिस स्पेलिंग्स एंड द टाइपिंग एरर्स विच इट करेक्ट्स ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो ऑटो करेक्ट फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर ना इसके अंदर पहले ही बहुत सारी सेव्ड क्या होती है, कॉमन मिस स्पेलिंग और टाइपिंग एरर्स होती है जिसको ये करेक्ट करता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HTE, ठीक है, विल बी चेंज्ड टू द THE. ठीक है, तो इसके अंदर एक लिस्ट बनी होती है, बहुत लंबी लिस्ट होती है जिसमें क्या होते हैं, मिस स्पेलिंग्स और टाइपिंग एरर सेव होते हैं और उनके करेक्ट वर्ड्स भी सेव होते हैं. सो जैसे ही हम अपने टेक्स्ट में ये गलत वर्ड्स ऐड कर देते हैं गलती से, उन्हें ये अपने आप ऑटो करेक्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली वो वर्ड सही वर्ड में चेंज हो जाता है. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कोड्स फॉर इंसर्टिंग स्पेशल करेक्टर्स, इमोजी एंड द अदर सिंबल. इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे कोड्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्पेशल करेक्टर्स, इमोजीज या फिर अदर सिंबल्स भी ऐड करवा सकते हैं. ऑटो करेक्ट इज टर्नड ऑन बाय डिफॉल्ट. यू मे विश टू डिसेबल सम ऑफ इट्स फीचर्स, मॉडिफाई अदर्स और टर्न ऑफ इट कम्प्लीटली. ठीक है, सो ऑटो करेक्ट आपके राइटर में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है. अगर आप चाहो तो इसके फीचर्स को डिसेबल भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या फिर इसे कम्प्लीटली टर्न ऑफ भी कर सकते हो.
और यू कैन ऐड योर ओन करेक्शंस और स्पेशल करेक्टर्स और चेंज दो सप्लाइड विद द लिब्रे ऑफिस, ठीक है। सो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपनी खुद की करेक्शंस डाल सकते हो, स्पेशल करेक्टर्स वगैरह डाल सकते हो खुद से भी, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना होता है, क्या प्रोसेस है, चूज़ करोगे आप टूल्स, टूल्स में जाओगे ऑटो करेक्ट, और ऑटो करेक्ट में जाने के बाद करोगे आप सेलेक्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को टू ओपन द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स के लिए पहले आप जाओगे टूल्स पे, देन ऑटो करेक्ट पे, उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, उस पर सेलेक्ट करने से क्या होगा, ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। ऑन द रिप्लेस टैब यू कैन डिफाइन विच स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट आर करेक्टेड एंड हाउ, इन मोस्ट केसेस द डिफॉल्ट्स आर फाइन, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बट एक बार समझ लो, जो रिप्लेस टैब है ना, वहाँ पर जाके आपको डिफाइन करना है क्या स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट करेक्ट होने वाली है और कैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू स्टॉप राइटर रिप्लेसिंग अ स्पेसिफिक स्पेलिंग, अगर आप चाहते हो कि राइटर स्टॉप हो जाए, एक स्पेसिफिक स्पेलिंग को रिप्लेस करना बंद करे, तो आप क्या करोगे, गो टू द रिप्लेस टैब, हाईलाइट द वर्ड पेयर एंड क्लिक डिलीट। आप क्या करोगे, रिप्लेस टैब पे जाओगे और उस पर्टिकुलर वर्ड पेयर को हाईलाइट कर दोगे और डिलीट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। इसके बाद टू ऐड अ न्यू स्पेलिंग टू द लिस्ट, टाइप इट इन टू द रिप्लेस, एक न्यू स्पेलिंग को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, टाइप करोगे उसे रिप्लेस में, रिप्लेस एंड विद बॉक्सेस में, ठीक है, ऑन द रिप्लेस टैब एंड क्लिक न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज आप कोई स्पेलिंग को देख रहे हो कि वो बार बार ऑटो करेक्ट होती जा रही है, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड पेयर को हाईलाइट करोगे रिप्लेस टैब पर जाके और उसके बाद डिलीट कर दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑटो करेक्ट ना उस पर्टिकुलर वर्ड पेयर को रीड ही नहीं करेगा और बार बार उस स्पेलिंग को ऑटो करेक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है। उसके लिए वो वर्ड वहाँ पे होगा ही नहीं, वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा उसकी लिस्ट से। इसके बाद अगर आपको खुद से कोई न्यू स्पेलिंग ऐड करनी है लिस्ट के अंदर, तो आप जाओगे टाइप इन टू द रिप्लेस एंड विद बॉक्सेज, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, रिप्लेस टैब में, और उसके बाद आप क्लिक न्यू कर दोगे, ठीक है, तो वो वाली स्पेलिंग भी लिस्ट में ऐड हो जाती है। नाउ सी द डिफरेंट टैब्स ऑफ द डायलॉग फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ द अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू फाइन ट्यून द ऑटो करेक्ट, इसके बाद वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ताकि आपका ऑटो करेक्ट जो फीचर है उसे फाइन ट्यून हम कर सके फर्दर, ठीक है। टू टर्न ऑटो करेक्ट ऑफ, अनचेक टूल्स ऑटो करेक्ट वाइल टाइपिंग, ठीक है। अगर आपको ऑटो करेक्ट को ऑफ करना है तो आप टूल्स में जाके, ऑटो करेक्ट में जाके उसे अनचेक कर देंगे, मतलब वहाँ पे जो टिक आ रहा है उसे अनचेक कर देंगे तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज यूजिंग द वर्ड कम्प्लीशन, वर्ड कम्प्लीशन कैसे यूज करता है ये समझते हैं। इफ वर्ड कम्प्लीशन इज इनेबल्ड, अगर वर्ड कम्प्लीशन इनेबल है तो राइटर ट्राइज टू गेस विच वर्ड यू आर टाइपिंग एंड ऑफर्स टू कम्प्लीट द वर्ड फॉर यू। कई बार क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट में वर्ड कम्प्लीशन इनेबल हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जैसे ही हम कोई पर्टिकुलर वर्ड टाइप करते हैं और मान लो हमने वो वर्ड आधा ही टाइप किया है, लेकिन वर्ड कम्प्लीशन उसे खुद से ही गैस कर लेता है और वर्ड को अपने आप से ही कंप्लीट करके लिख देता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है वर्ड कम्प्लीशन का। टू एक्सेप्ट द सजेशन प्रेस एंटर, अगर आपको दिख रहा है कि वो जो वर्ड सजेस्ट कर रहा है वो वही वर्ड है जो आप टाइप कर रहे थे, तो आप एंटर कर दोगे, अदरवाइज आप उस सजेशन को अवॉइड करोगे और खुद से ही टाइप करोगे वो स्पेलिंग जो आप चाहते हो, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे क्या लिख रहे थे, आपने यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है ये, और यहाँ पे आप लिख रहे थे जी ई, ठीक है, और वहाँ पे आपको ऊपर सजेशन आ गया कि आप ये लिख लो, क्या लिख लो, जेम स्टोन, जेम स्टोन लिख लो, ऐसे आपको सजेशन मिल गया, लेकिन हमारी जो स्पेलिंग थी वो थी जेरी, लेकिन इसने जेई को रीड करके अपने आप से एक वर्ड सजेस्ट कर दिया जेमस्टोन। अगर मुझे जेमस्टोन ही लिखना होता तो मैं एंटर कर देती, तो यहाँ पे अपने आप जेमस्टोन आ जाता, लेकिन क्योंकि मैं जेरी लिखना चाहती हूँ तो मैं इसे इग्नोर करूँगी और अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू करके जेरी लिख दूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपका वर्ड कम्प्लीशन काम करता है, तो ये आपको खुद से ही वर्ड सजेस्ट करता है और वर्ड को कंप्लीट करने की कोशिश करता है।
अगर आपको टर्न ऑफ करना है वर्ड कंप्लीशन, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे टूल्स, ऑटो करेक्ट में जाओगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाओगे और वर्ड कंप्लीशन में जाओगे और डीसेलेक्ट कर दोगे वर्ड कंप्लीशन को। ठीक है, इस तरीके से आप वर्ड कंप्लीशन को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। कई बार क्या करता है, वर्ड कंप्लीशन ना बहुत प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि वो कोई और ही वर्ड ऐड कर देता है जो कि हमें नहीं भी चाहिए, तो इसीलिए वर्ड कंप्लीशन हम यूजुअली बंद ही करते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इस टाइप से आपका डायलॉग बॉक्स होता है वर्ड कंप्लीशन का, तो यहाँ पे वर्ड कंप्लीशन टैब देख पा रहे हो आप। ठीक है, ऑटो करेक्ट के डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा वर्ड कंप्लीशन का टैब, और यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसे विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं अंडू और रीडू की। अंडू और रीडू के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और यह हम अपने डेली फॉर्मेटिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एक बार समझ लेते हैं। टू अंडू द मोस्ट रीसेंट अनसेव्ड चेंज इन अ डॉक्यूमेंट यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड। अंडू मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कभी अभी अभी रिसेंटली कोई अनसेव्ड चेंज किया है डॉक्यूमेंट में, मतलब आपने गलती से कुछ कट कर दिया है और उसे आपने अभी तक सेव नहीं किया है कट करने के बाद। सो वो जो आपने अभी एक्शन परफॉर्म किया था वो अनसेव्ड है, वो चेंज अनसेव्ड है, तो उसे फिर से लाने के लिए आप इस्तेमाल करोगे कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड का। इसे बोलते हैं अंडू करना। ठीक है, या तो आप कंट्रोल प्लस जेड पे क्लिक कर सकते हो, मतलब कंट्रोल प्लस जेड को अपनी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे कहाँ पे, अंडू आइकन पे ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ये भी कर सकते हो, या फिर आप जाओगे एडिट पे और वहां से अंडू को सेलेक्ट करोगे जो आपको मिलेगा मेन्यू बार में। ठीक है, तो तीन तरीके से आप रिसेंटली अनसेव्ड चेंज को वापस से ला सकते हो, अंडू कर सकते हो। ठीक है, क्लिक द स्मॉल ट्राइंगल टू राइट हैंड ऑफ द अंडू आइकन टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द चेंजेस दैट कैन बी अंडन। तो अगर आपको सारे चेंजेस चाहिए जो अभी तक अंडन है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको अंडू आइकन के साथ एक छोटा ट्रायंगल मिलता है, उसके अंदर एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वो उसमें वहाँ पे चेंजेस होते हैं जो अभी तक अंडन है, जो सेव नहीं हुए हैं। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल चेंजेस एंड अंडू देम एट द सेम टाइम। तो आप एक से ज़्यादा चेंजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसे अंडू कर सकते हो एक ही टाइम पे। ठीक है, मान लो आपने एक से दो चेंजेस परफॉर्म करे हैं और अभी तक वो सेव नहीं किए हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे ही गलती से कर दिया है वो, तो उसे आप अंडू करके वापस से फिर से पहले जैसा बना सकते हो। ठीक है, आफ्टर चेंजेस हैव बीन अंडन यू कैन रीडू चेंजेस। ठीक है, आप अब चेंजेस को रीडू भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, टू रीडो अ चेंज यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वाई। तो रीडो करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई करेंगे और क्लिक द रीडो आइकन, या फिर आप रीडो आइकन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप एडिट में जाके रीडो पे क्लिक कर सकते हो मेन्यू बार में। एज विद अंडो क्लिक ऑन द ट्राइंगल टू द राइट ऑफ द एरो टू गेट अ लिस्ट ऑफ द चेंजेस दैट कैन बी रीअप्लाइड। ठीक है, तो हम अंडू और रीडू कब करते हैं ये समझो। अंडू मतलब होता है जब हमें पहले प्रीवियसली जाना है, प्रीवियस स्टेज पे जाना है, आपने अंडू कर दिया। अब आप रीडू कब करते हो, सपोज आपने गलती से अंडू कर दिया और आपको फिर से आगे जाना है, तो आप रीडू करते हो, रिपीट मतलब रीडन करते हो, जो चीज़ आपने अभी करी थी उसे दोबारा कर रहे हो, आगे जा रहे हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रीडो कर देना। तो जिस तरीके से अंडू के टाइम पर आपको एक लिस्ट मिलती है ट्राइंगल पे क्लिक करने से, उसी तरीके से आपको रीडो के टाइम पे भी एक लिस्ट मिलती है, उसमें से आप चेंजेस को चूज करके वापस से रीअप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अंडू में क्या होता है, हम उन चेंजेस को हटाते हैं, और रीडो में क्या होता है, हम उन चेंजेस को रीअप्लाई दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस है बिटवीन अंडू एंड रीडू। To repeat the last command applied to your document, use the shortcut Control plus Shift plus Y. अगर आप चाहते हो जो last command आपके document पे apply हुई है तो उसे repeat करना चाहते हो, तो उसके लिए आप shortcut key का इस्तेमाल कर सकते हो Control plus Shift plus Y।
दिस कैन सेव सेवरल रिपीटेटिव मेन्यू नेविगेशन क्लिक और कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेशली व्हेन द कमांड इज टेकन फ्रॉम द सेकेंडरी मेन्यू। इसके साथ क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो आपके रिपीटेटिव मेन्यू नेविगेशन थे या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट से वो अपने आप क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंडू रीडू जैसे हम नॉर्मली करते हैं एम एस वर्ड में, वही सब कुछ सेम है आपके राइटर में। ठीक है, ऑलमोस्ट द थिंग्स आर सेम। तो आई होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जी एस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, आगे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी आपको आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।